नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। दोस्तों, आपने इस हफ्ते देखी होगी खबरें, असम में मियां संग्रहालय जिसे खुलने के दो दिन के भीतर ही सरकार ने सील कर दिया था और इससे जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको हैरत हो रही होगी कि आखिर ये मियां क्या है। आपने इससे मिलता जुलता शब्द तो सुना है अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन इसमें य है, य पर बिंदी कोई नहीं है यहाँ पर, तो आप हैरत में होंगे। तो आज मैंने सोचा आपको विस्तार से बताऊं कि आखिर कौन है यह मियां समुदाय, उसका यह नाम क्यों है और क्या है यह पूरा विवाद। दरअसल यह मामला अब भले सुर्खियों में है मियां म्यूजियम वाला, लेकिन स्थानीय असमिया जो मूल असमिया लोग हैं और मियां समुदाय के बीच टकराव तो बहुत पुराना है, बहुत लंबा है। और अब हाल के वर्षों में यह टकराव तेज हुआ है। और मियां समुदाय कौन है यह आपको आगे भी विस्तार से बताऊंगा। पूरी रिपोर्ट देखिए आखिर तक और जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मूल असमिया लोगों और मियां समुदाय के बीच का यह टकराव बहुत पुराना है। और यह मियां समुदाय आखिर है कौन, ये क्यों मियां समुदाय कहां से आए असम में। दरअसल यह लोग पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश है वहां से असम आए मुस्लिम प्रवासियों की पीढ़ियां हैं। इनको आमतौर पर मियां, जिसे देश के दूसरे हिस्सों में मियां कहा जाता है लेकिन असम में इनको मियां कहा जाता है, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। इस समुदाय के लोगों ने कई चरणों में असम में प्रवेश किया था और इसकी शुरुआत उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने इस तबके के लोगों को 1890 के दशक के उत्तरार्ध में असम बुलाया था ताकि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों पर खेतीबाड़ी और दूसरे काम कर सकें। लेकिन इस तबके की आबादी इतनी बढ़ गई है कि मूल निवासियों के लिए ही, उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। और आप जानते हैं बांग्लादेश से घुसपैठ के मुद्दे पर ही असम में 80 के दशक में 6 साल तक असम आंदोलन चला था। असम के मूल निवासियों ने घुसपैठियों पर उन अपने रोजगार छीनने, भाषा और संस्कृति को खराब करने का आरोप लगाया था। उसके बाद हाल के वर्षों में स्थानीय निवासियों, मूल निवासियों और मियां समुदाय के लोगों के बीच टकराव बढ़ा है। और मियां बहुत अपमानजनक संबोधन माना जाता है, लोगों को, इस तबके के लोगों को सम्मान की निगाहों से नहीं देखा जाता। वैसे मियां म्यूजियम की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस विधायक सरमन अली ने दिया था 2 साल पहले, ठीक अक्टूबर 2020 में, लेकिन तब सरकार ने खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, जो अब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि असम में जब तक बीजेपी सत्ता में है मियां म्यूजियम खुलने नहीं देगी। अब असम के ग्वालपाड़ा जिले में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मियां म्यूजियम के उद्घाटन और ठीक 2 दिनों के भीतर उसके सील करने से राज्य की सियासत में भी उबाल आया है। असम मियां परिषद के अध्यक्ष मोहर अली ने प्रधानमंत्री योजना के तहत मिले घर में यह संग्रहालय खोला था। इससे विवाद पैदा हो गया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने शिकायत की तो इसे सील कर दिया गया। और इसमें कुछ औजारों और लुंगी आदि को प्रदर्शित किया था जिसमें हल थे, फावड़े थे। अली का दावा था कि ये वस्तुएं मियां समुदाय की पहचान है, लेकिन अब फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि मियां समुदाय के कुछ सदस्यों की इन गतिविधियों के कारण असमिया पहचान के लिए खतरा पैदा हो गया है। उनका सवाल था कि मियां समुदाय हल को अपनी पहचान बनाने का दावा कैसे कर सकता है। राज्य के किसान सदियों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी चीज़ें उस म्यूजियम में थी वो सब असमिया संस्कृति से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि इस म्यूजियम के तार अलकायदा से भी जुड़े हैं और राज्य सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बीते विधानसभा चुनाव जो 2021 में हुए उसमें साफ कहा था कि उनको मियां समुदाय के लोगों के वोट नहीं चाहिए। राज्य के बहुत से लोगों का मानना है कि प्रवासी मुस्लिमों की वजह से असम ने अपनी पहचान, संस्कृति और जमीन खो दी है। तो ये विवाद चल रहा है। बरपेटा के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालेक का कहना है कि लोगों को अपने घर में सांस्कृतिक म्यूजियम या पुस्तकालय खोलने का अधिकार तो है, लेकिन किसी सामुदायिक म्यूजियम की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही उनका कहना था कि किसी व्यक्ति को म्यूजियम की स्थापना के लिए गिरफ्तार करना उचित नहीं है। उधर दक्षिणी असम में करीमगंज उत्तर के कांग्रेस विधायक कमलाख्या देव पुरकायस्थ ने भी परोक्ष रूप से सीधे सीधे बांग्ला म्यूजियम की स्थापना की मांग उठाई है। इस मुद्दे को उठाते हुए मियां म्यूजियम का मुद्दे का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि असम में मतदान करने वाले लाखों बंगालियों की संस्कृति और पहचान को भी संरक्षित करना जरूरी है। तो मियां समुदाय पर पहले भी तमाम बुद्धिजीवी और राजनीतिक आरोप लगाते रहे हैं कि उनके कारण मूल निवासियों की पहचान खतरे में पड़ रही है, उनका अस्तित्व, उनका वजूद संकट में पड़ गया है, उनकी आबादी ऐसे बढ़ रही है। शायद इसीलिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें यह है कि 2 से ज़्यादा बच्चों वालों को सरकारी नौकरियाँ या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी कई चीज़ें हो रही है और धीरे धीरे एक बार फिर यह विवाद लगातार तेज हो रहा है। इसी में सियासत भी हो रही है, विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत करने में जुटा है। ये तमाम चीज़ें हो रही है, असम में धीरे धीरे खदबदाहट मच रही है। आगे क्या यह मामला और उठेगा? मुझे नहीं लगता कि इस मामले में फिर असम आंदोलन जैसी जमीन तैयार हो रही है, लेकिन कल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।